जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास चल रहा है और कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन हर जगह, हर मंदिरों में, हर घर में शिव भोले की पूजा हो रही है। उनकी पूजा अर्चना को देखते हुए हर जो है, इस जो शहर है, जो देश है, वो भक्ति में हुआ हुआ है। इसी के संदर्भ में हमने भी महाजन हाल में महिला महाजन सभा ने महाजन सभा के साथ मिलकर कथा का आयोजन करवाया है। ये जो कथा है इसको हमने नाम दिया है तीन शाम शिव भोले के नाम। ये जो शिव महिमा है, हमारी जो महामंडलेश्वर है अनीता माता जी जम्मू से हमारे जहाँ आ रही हैं, और ये जो कथा है शिव महिमा है 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक चलेगी। इसका समय होगा 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। इसी में ही शिव की महिमा, हर देवी देवता की महिमा का बखान किया जाएगा। गणेश वंदना से इसका महिमा का जो है आगाज होगा, और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, और आगे की जो अगले दिन की सूचना है वो उसी दिन दे दी जाएगी कि अगले दिन जो है माता जी के मुखारविंद से किस भगवान की जो महिमा का बखान होगा। आप सब भक्तों से, सब भाई बहनों से, सभी बुजुर्गों से, माताओं से, हमारी महिला मंडली की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस शिव महिमा को सुनने के लिए, इस भक्ति में को रंग में रंगने के लिए आप सब आएँ। आप सबका महाजन हाल में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। परम करणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितम नमामि, बाबा भवानी सहतम नवामी। नमस्ते, मैं नीता गुप्ता। जैसे कि आप जानते हैं हम हर साल महाजन में शिव भोले की कथा करवाते हैं। किसी कारण 2 वर्ष कोरोना की वजह से हम नहीं करवा पाए, लेकिन उसके बाद अब हमने सोचा हम कथा करवाएंगे। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि भोलेनाथ जी ने हमें मौका दिया और हम करवा रहे हैं। इससे हम सारी जनता को कहना चाहते हैं कि अगर कथा रखवाई है तो सुनने के लिए जरूर आए। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा सुनने।